दिल्ली कमेटी दीआं चोणां नूं लै के प्रचार जोरां ते है। हरेक उम्मीदवार संगत विचाले जा के पूरी वाह ला रहा है। वार्ड नंबर 30 विकासपुरी की गल की जाए तो अकाली उम्मीदवार इंदरजीत सिंह मोंटी नूं इत्थे उम्मीदवार बनाया गया। उन्हां कहा कि लोगों का उन्हां नूं भरपूर प्यार मिल रहा ते उन्हां दा किसी नाल कोई मुकाबला नहीं है। तो दूजे पासे राजौरी गार्डन तो अकाली उम्मीदवार हरपाल सिंह कोचर संगत विच जा के प्रचार कर रहे हैं। उन्हां कहा कि जिहड़े काम किए गए हैं उन्हां नूं लै के ही संगत का पूरा समर्थन मिल रहा। गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी की चोणों का आगाज़ हो चुका है तो हर कैंडीडेट हुण संगत की कचहरी खड़ा है। असी इसे कवर करते हुए अज पहुँचे हैं वार्ड नंबर 30 विकासपुरी जिथे साडा इंदरजीत सिंह मोंटी ने उन्होंने गल करते हैं। मोंटी जी पहला तो स्वागत है तो वधाई है, पार्टी ने बड़ी वड्डी जिम्मेदारी दी है। वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह। बिल्कुल हरप्रीत जी तुसीं ठीक किया कि पार्टी ने बहुत वड्डी जिम्मेदारी दी है। पहली जिम्मेवारी जिहड़ी धर्म प्रचार कमेटी के को चेयरमैन ने दी वो सब तो वड्डी जिम्मेवारी है। मैं अपनी संगत की कचहरी के जाना वार्ड नंबर 30 दे विच संगतां दे रूबरू होकर मेरा शुरू तो मोटिव रहा। असी 3 ई लए सीगा पहले एम्पावरमेंट एजुकेशन और एक होर असी जिस दे विच एंटरप्रेन्योरशिप असी तीसरी चीज़ जिहड़ी लई सीगी उस दे विच असी बहुत हद तक उस समय कामयाबी प्राप्त की सी। हुण इस समय के दौरान असी बच्चियां नूं सब तो पहला मुढ़ला सिद्धांत जिहड़ा अज साडे बच्चे स्कूलों में जाते हैं हिंदी इंग्लिश सारा पढ़ते हैं और बोलते भी ने। वो घर आके भी हिंदी बोलते हैं, 8 घंटे स्कूलों रेंदे ने पर घर असी 16-14 घंटे 15-15 घंटे रेंदे हैं पर फिर असी हिंदी वाल भाषा सारिया का ज्ञान होना बहुत जरूरी है पर माँ बोली नूं भुल जावांगे कखां वांगू रुल जावांगे। जे पंजाबी असी नहीं बच्चों अज सिखावे तो धन श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज के लड़ किस तरह लगनगे, अपनी विरासत को किदा संभलणगे। पहली गल पंजाबी वाली, दूजी गल विशेष करके बच्चियों वास्ते सारिया वास्ते है, वैसे तो विशेष करके गुरु हरगोबिंद पातशाह जी ने जो सानू मीरी ते पीरी का सिद्धांत बख्शिया है। मार्शल आर्ट साढ़े को एक अमीर विरसा है गतके के रूप के बच्चों नू सैल्फ डिफेंस जड़ा है वो सिखाना बहुत जरूरी है। बहुत सारिया क्लासा चल भी रही ने, अगों होर वधेरे तौर पर वधाना है। और एक जड़ी मेन गल 2019 दिसंबर तो कोविड जड़ा वो अपने पैर पसार चुका सी पूरे संसार दे विच। करोना वायरस कोविड-19 के नाम तो पूरे संसार भर में फैलिया। उस दौरान ये देखा गया कि बहुत सारे लोग बिना इलाज तो जड़े चाहे वह पैसे तरफों चाहे हॉस्पिटलों बैड ना मिलन करके चाहे कोई होर कारण बनया हो जरूर गल की है। इस बार मैं अपने हल्के कि दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का जोड़ा फंड होंगे लोड़वंद परिवारों की मेडिकलेम पॉलिसी वो जरूर करवानी है क्योंकि मैं पिछले साल मार्च 2020 तो लैके मार्च 2021 तक देखिया कि बहुत सारे परिवार जोड़े हॉस्पिटलों के एडमिशन लैन इस करके सिर्फ डरते इस करके डरते कि पैसा कितों आएगा। सरकारी हस्पतालों बहुत बुरा हाल सी पर जो असी प्राइवेट हॉस्पिटल की गल करते हैं भावें सरकार ने बहुत लिमिटेड कर दिता है 10,000 तो लैके 18,000 रुपये तक पर डे करता है पर एक गरीब आदमी जी की तनखा ही 10-12,000 रुपये हो पर डे इन्ना पैसा कितों देगा जो घर से तकलीफ आ गई। लेकिन जो बाला प्रीतम दवाखाने ने तुम वो भी पहल कर रहे हो अपने हल्के खोलन की उन्होंने भी खोलिया जाए जिस जो आम जो खास तौर पर सा सिख भरा जिहड़ा बिल्कुल हेठले पद्धर से है जिहदी आमदन थोड़ी है उहदी मदद हो सके। बाला प्रीतम दवाखाना की प्रपोजल मेरी इलैक्शन तो पहला ही सी पर उसके प्रोसैस में लगभग 2 से 2.5 महीने लगते हैं लाइसेंस बनन विच और जगह की अप्रूवल मिलन विच क्योंकि MCDA दे विच इनवॉल्व है और हेल्थ डिपार्टमेंट इनवॉल्व है। उसके वास्ते मैं कोशिश की पर नहीं खुल पाया। इलैक्शन तो इमीडिएट बाद इस थान पर जिथे तुसी खड़े हो उत्तम नगर विखे ये वार्ड मोहन गार्डन तक जाता है विकासपुरी तो स्टार्ट होकर मोहन गार्डन तक उस पासे गुरु की बहुत बख्शिश है उत्थे भी लोड़वंद परिवार ने पर असी ओ बाला प्रीतम दवाखाना उत्तम नगर हस्तसाल विखे इत्थे खोलांगे और जिन्हां भी जरूरत जिथे भी होएगी असी ओ मुंडियां नू रोज़गार भी देवांगे जिहड़े सप्लाई करनगे। असी पहुंचे हैं वार्ड नंबर 18 दे विच जिन्हों रजौरी गार्डन कहा जाता है उत्थों श्रोमणी अकाली दल वालों हरपाल सिंह कोछड़ नूं जिम्मेदारी दी गई है। मेरे नाल हरपाल सिंह जी ने संगत की कहिंदी है कोछड़ साहब आ काम करना आ नहीं होया जो मैं संगतां नूं डोर टू डोर घरां जा रहा हाँ इन्ना उत्साह मिल रहा है जो 2 साल की सेवावां
सत्कारयोग सिरसा जी और कालका जी की टीम ने कीतिया ने वो इनिया शलाघाजोग ने कि संगत 25 तरीक का इंतजार कर रही मैं समझना हाँ कि और खास तौर पर नौजवान साढ़े बच्चे बच्चियाँ पूरी तरह और साड़िया भैन मतव सारी जड़े ने 25 तरीक का इंतजार कर रहे हैं। मैं समझना हाँ कि रजौरी गार्डन की सात संगत और सुभाष नगर की सात संगत आने वाली 25 तरीक न बाल्टी चौं निशान से मोहर लगा के भारी बहुमत ने सानू जिताएगी। कोचड़ का मुद्दा की है जो संगत के जाने हो संगत की कहती है कोचड़ साहब पंजाबी दी क्लासा चाहिए ने बच्चों गतका सिखाने का इंतजाम करो संगत की कह रही है? संगत जो चाहती है वह ऐलान साढ़े सत्कार जो सिरसा जी और कालका जी की टीम ने किया है कि एक मेडिकल कॉलेज गुरु तेग बहादुर साहब जी के नाम से बनन जा रहा है और जो साढ़े गुरु सिंह सभावान के बच्चे हैं रागिया के टाडिया के और सारे जोड़े वो सेवादारा के बच्चे हैं उन्होंने फ्री पढ़ाया जाएगा। यह होर ही सोने पर सुहागा है।